सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब टीवी यूट्यूब चैनल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। गल करेंगे 8 सितंबर दीयां ताज़ा तरीन खबरों बारे। पंजाब के हर जिले की खबर तुहाडे सामने पेश करांगे। 10 तो 12 खबर होणगियां, सो वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना जी। उस तो पहला सारे वीरां भैणां नूं बेनती है, जिन्हां वीरां भैणां ने हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया जी, चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो ते नाल लगे घंटे के बटन नूं भी प्रेस कर लो, तां कि खबरां दा ताज़ा नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम उत्ते मिलदा रहे। तो वीडियो नूं लाइक कमेंट ते शेयर करना ना भुलना जी। सो पहली खबर आ रही है जी गुरदासपुर तो। गुरदासपुर च वधिया करोना का कहर, 135 नवे मामले आए सामने। जिला गुरदासपुर च करोना का कहर लगातार वाधा जा रहा है। सेहत विभाग वालों गुरदासपुर जिले अंदर 135 नवे करोना मामलों की पुष्टि हुई है, जिस नाल जिले अंदर कुल सरगर्म मामलों की जेकर गल की जाए तो यह अंकड़ा 940 तक पहुँच गया है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट च, केंद्र ने कहा सेहत लिए नुकसानदेह सैनीटाइजर टर्नल किए जाएंगे बंद। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करदे कहा कि इस नूं करोना तो बचाने लिए रोगाणु मुक्त टर्नल की वरतों करना सही नहीं है। केंद्र ने कहा कि इस विच छिड़का शरीरक अते मानसिक सेहत नूं नुकसान पहुँचा सकता है। केंद्र ने कहा कि भलके तक इस दी वरतों बंद करन दी हदायतां जारी कर दित्तियां जाणगियां। 10 अगस्त नूं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले उत्ते केंद्र सरकार तों जवाब मंगिया सी। सुप्रीम कोर्ट देश भर विच रोगाणु मुक्त सुरंग नूं बंद करन लई दायर पटीशन उत्ते सुनवाई कर रही सी। इस केस विच कानून दे इक विद्यार्थी ने अदालत विच इक पटीशन दायर कीती सी अते इन्हां टर्नल नूं बंद करन दी मंग कीती सी। अगली खबर, पंजाब सरकार ने कोविड बारे अफवाह फैलाने वाले वैब चैनलों खिलाफ कसया शिकंजा, डीजीपी नूं दित्ते इह आदेश। कोविड बारे गुमराहकुन जानकारी देने वाले खिलाफ शिकंजा कसदे हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को डीजीपी को निर्देश दिए कि महामारी बारे लोगों में अफवाह फैलाने और कोविड बारे झूठा प्रचार करने वाले वैब चैनलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को यह भी कहा कि विदेशों से सरगर्म भारत विरोधी तत्वों वालों दिए जाते बयान की भी निगरानी की जाए और अजिहे लोगों खिलाफ केस दर्ज किए जाण, भावें वह किसी भी कोने च बैठ के सोशल मीडिया से वैब चैनलों पर गुमराहकुन प्रचार से अफवाह फैला रहे होण। अगली खबर, सिक्ख्या के मामले च दक्षण ते भारी, उत्तरी ते पूर्बी सूबे। देश च पुरशां के मुकाबले औरतां घट पढ़िया लिखिया। NSO के ताज़ा अंकड़ों अनुसार देश के 5 सब तो ज़्यादा पढ़े लिखे सूबे पहले नंबर पर केरल 96.2% दे नाल बनया होया है। दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, चौथे ते पांचवें नंबर पर असाम 85.9 उत्ते है। इस दे नाल ही 6वें नंबर पर उत्तर प्रदेश 73%, 7वें पर तेलंगाना 72.8%, 8वें पर बिहार 70.9%, 9वें पर राजस्थान 69.7%, 10वें ते आंध्रा प्रदेश 66.4% है। देश च औरतों की पढ़ाई पुरशों नालों ज़्यादा। तुहानू दस दिए कि NCO द्वारा जारी यह अंकड़ा साल 2017-18 का है। इस 7 साल तो ज़्यादा उम्र के बच्चों शामिल किया गया है। अगली खबर, करोना टैसट का सौखा तरीका, घर च एकांतवास दौरान सहूलत देगी सरकार। डिप्टी कमिश्नर श्री महेंद्रपाल ने दसा कि पंजाब सरकार वालों चलाए गए मिशन फतेह तहत करोना वायरस की बीमारी नूं सूबे विचों खत्म करने लई अते लोकां दी सहूलत नूं मद्देनज़र रखदिआं हुण जिले के हस्पतालां विच वाक-इन टैसटिंग कॉर्नर स्थापित किए जा रहे हैं, जिथे लोग खुद आ के अपना करोना का टैसट करवा सकते हैं। उन्होंने दसा कि यह टैसटिंग कॉर्नर जिला हस्पताल अते सब डिवीजन हस्पतालों अंदर खोले जाणगे। डिप्टी कमिश्नर ने दसा कि इन्हां टैसटिंग कॉर्नर उत्ते करोना जांच दौरान जेकर कोई व्यक्ति करोना पॉजिटिव आ जाता है अते उसनू कोई भी लक्षण नहीं है जां बहुत घट लक्षण हन अते उसनू कोई होर गंभीर बीमारी नहीं है तां उसनू घर विच एकांतवास होके रहण दी सहूलत भी सरकार वल्लों दित्ती गई है। अगली खबर, आशा वर्करां दा महताना, पंजाब ने कीता बंद, केंद्र सरकार दे 1000 नाल चलाउणा पवेगा काम। करोना की महामारी दौरान अपनी जान जोखम उत्ते पाउंदे होए अहम रोल निभाउण वालियां आशा वर्करां नूं महताना देण लई पंजाब सरकार कोल पैसे ही नहीं हन, जिस कारण पंजाब सरकार ने अपने हिस्से दे 1500 रुपए विच कटौती कर दित्ती है। हुण तों बाद 18,000 आशा वर्करां ते 1,000 फैसिलिटेटर नूं करोना दे काम लई पंजाब सरकार वल्लों एक भी नवां पैसा नहीं मिलेगा, जदों कि केंद्र सरकार वल्लों आउण वाले 1,000 रुपए आशा वर्कर अते फैसिलिटेटर नूं 500 रुपए मिलदे रहणगे। पंजाब सरकार वल्लों दिते जाण वाले महताने उत्ते कट लगाउण संबंधी कोई भी अधिकारी इस संबंधी कुछ भी कहण तों इनकार कर रहे हन।
अगली खबर, थर्मल प्लांट बंद करने नाल पंजाब नूं भुगतने पैणगे भयानक नतीजे। PSEB इंजीनियर्स एसोसीएशन मोंटेक सिंह आलूवालिए दी अगवाई वाली माहिर कमेटी वालों बिजली खेतर लई कीतियां सिफारशां ते पूरी तरह भड़क उठी है। एसोसीएशन ने आख्या कि थर्मल प्लांटा नूं बंद करने नाल पंजाब नूं भयानक नतीजे भुगतने पैणगे, क्योंकि पंजाब दा बिजली वंड घाटा पूरे देश चों सब तों घट है। एसोसीएशन ने इन्हां समुचे मुद्दों ते मुख्यमंत्री नूं अपील की कि वह तुरंत एसोसीएशन नूं मीटिंग देण तां जो असल पहलुआं तों जाणू करवाया जा सके। इंजीनियर्स एसोसीएशन के जनरल सकत्तर इंजीनियर अजयपाल सिंह अटवाल ने कहा कि माहिर कमेटी दीआं ताज़ा सिफारशां बहुत निराशाजनक हन। अगली खबर, पंजाब च बदलिया नाइट करफ्यू का समा, सरकार वालों नवीं गाइडलाइनस जारी। कोरोना लॉकडाउन लई पंजाब सरकार वालों नवीं गाइडलाइनस जारी कर दित्तियां गईआं हन। सरकार वालों नाइट करफ्यू का समा बदल दिता गया है। पंजाब च रात 9:30 बजे तो सवेरे 5 बजे तक नाइट करफ्यू रहेगा। पहला शाम 6:30 बजे तक दुकाना खोलण की इजाजत सी, जिसका समा बदल के रात 9 बजे तक कर दिता गया है। हुण सारियां दुकाना रात 9 बजे तक खोलियां जा सकदियां हन। हुण वीकेंड करफ्यू भी सिर्फ ऐतवार ही होवेगा। हुण ऐतवार नूं सिर्फ गैर जरूरी समान दीआं दुकाना बंद रहणगियां। इस तों इलावा होटल ते रेस्टोरेंट भी हफ्ते दे 7 दिन खुल्लणगे। होटल ते रेस्टोरेंट खोलण दा समां रात 9 बजे तक कर दिता गया है। अगली खबर, डिवीजनल कमिश्नर पटियाला वालों बरनाला विच ट्री फॉर गन स्कीम दा आगाज़। अज स्थानक जिला प्रबंधकी कंपलैक्स विखे डिवीजनल कमिश्नर पटियाला श्री चंद्र गेंद वालों जिले के वक् वक् अधिकारियों नाल मीटिंग की गई। जिला प्रशासन वालों मीटिंग दौरान जिले च चल रहे ई ऑफिस बारे विस्थार पूर्वक जानकारी दी गई। इस मौके उन्हां वालों बरनाला विच ट्री फॉर गन स्कीम का भी आगाज किया गया, जिस तहत असला लाइसेंस लैण लई हुण पौधे लाने पैणगे ते उन्हां पौद्यां दी संभाल भी करनी पएगी। इस स्कीम का आगाज करने वाला बरनाला 5वां जिला बन गया है। इस मौके मीटिंग दौरान कमिश्नर वालों सेहत विभाग तो COVID-19 बारे जानकारी प्राप्त की। अगली खबर, पिंड माजरा विखे ओवरब्रिज से वापरे हादसे च नौजवान की मौके पर मौत। पिंड माजरा विखे ओवरब्रिज से वापरे दर्दनाक हादसे च मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान की मौके उत्ते मौत हो गई है। उसका साथी गंभीर जख्मी हो गया है। जानकारी अनुसार कुराली साइड तो चंडीगढ़ वल जा रहे मोटरसाइकिल सवार दो नौजवान जदों ओवरब्रिज उत्ते जा रहे सन तां संतुलन विगड़ जाण दे कारण हादसे का शिकार हो गए। लोगों ने तुरंत पुलिस नूं घटना संबंधी जानकारी दित्ती ते एंबूलेंस राही जख्मी नौजवान नूं इलाज लई PGI चंडीगढ़ दाखिल करवाया गया है। अगली खबर, मौसम के बारे, सितंबर च मानसून की भरवी बारिश होने का अनुमान, खेती के लिहाज न लाहेवंद। चालू सितंबर का महीना खेती के लिहाज न बहुत चंगा रहने वाला है। इस दौरान पूरे देश में मानसून की चंगी बारिश होने का अनुमान लाया गया है। बंगाल की खाड़ी विखे इस हफ्ते एक होर घट दबाव वाला खेतर बन लगा है, जिस नाल मध्य भारत में मानसूनी बारिश की सरगर्मी मुड़ वध जाएगी। पछम उत्तर भारत में इस हफ्ते बरसात होने की संभावना ना दे बराबर है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चंगी बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग मुताबक अगले हफ्ते उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ ते पूर्वी राजस्थान में मानसून सरगर्म रहेगा, जिस नाल इन्हां खेतरों में बरसात की संभावना है। इसका सीधा असर खरीफ सीजन की खेती में खड़ी प्रमुख फसल झोने पर पवेगा। इस विच सिंचाई करन दी लोड़ नहीं पवेगी। हालांकि अगले हफ्ते तक पंजाब, हरियाणा ते पछमी उत्तर प्रदेश में माड़ी मोटी बारिश की ही संभावना है। मौसम हुमस भरिया रहेगा। अगली खबर, बादलों के पिंड नूं जांदी सड़क उत्ते खालिस्तानी झंडा लहराया। मोगा के मिनी सकत्तरे तो उपर खालिस्तानी झंडा लहराउण दी शुरू हुई मुहिम। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते कैप्टन सरकार के खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के पिंड नूं जांदी बादल सड़क उत्ते खालिस्तानी झंडा लहराउण तक पहुँच गई है। मिली जानकारी के अनुसार पिंड बादल नूं जांदी मुख सड़क उत्ते नरुआणा पिंड के नज़दीक खालिस्तानी झंडा लहराउंदा होया देखा गया, जिस की सूचना मिलने उत्ते मौके उत्ते इलाके की पुलिस पहुंची ते उक्त झंडे नूं उतारिया गया है। अगली खबर, फिरोजपुर विखे PGI सैटेलाइट सेंटर का नींह पत्थर विसाखी उत्ते रखा जाएगा। सुखबीर सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान श्री सुखबीर सिंह बादल ने अज ऐलान किया कि फिरोजपुर 450 करोड़ रुपए की लागत नाल बनन वाले PGI सैटेलाइट सेंटर का नींह पत्थर विसाखी उत्ते रखा जाएगा। एक साल के अंदर अंदर यह मैडिकल संस्था बन के तैयार हो जाएगी।
अकाली दल के प्रधान जिन्होंने लंबी और बलूआणा विधानसभा हलकों के मीह प्रभावित पिंडों का दौरा किया। उन्होंने दसिया कि वह यह मामला लगातार उठा रहे सन। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्होंने दसिया कि प्रोजैक्ट लई नींह पत्थर 13 अप्रैल 2021 नूं रखा जाएगा। सो दोस्तों, ये सन अज दियां ताज़ा तरीन खबरां। वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो जी, ताकि बाकियों तक भी जानकारी पहुँचे। हर रोज़ ताज़ा अपडेट देखने लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जी, ते वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो जी। धन्यवाद दोस्तों।